के दिन ईद उल फितर है और आज के दिन अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं मांगी जाती है, जिनमें से एक मुख्तसर दुआ जो है, जो कि मकसद है इस ईद का, वो ये कि अल्लाह हमारे रोजे कबूल फरमा, हमारी तरावी कबूल फरमा, हमारी नमाज कबूल फरमा और हमारे सारे गुनाहों की मगफरत फरमा। और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में मुसलमानों को बिलखसूस और बिलमूम तमाम इंसानों को अमन सलामती से नवाज। ये इस मौके पर, ईद के मौके पर खुसूसी दुआ मांगी जाती है। ये माह रमजान का मुबारक महीना के बाद मुसलमानों के लिए ये खुशी का दिन होता है, तो पूरा महीना इसको खुशी के तौर मनाया जाता है। ये दीन मजहब है, इसलिए मुसलमान एक जाति इस चीज की दिखाते हैं, एक जगह पे नमाज पढ़ के इस चीज को अदा किया जाता है, अल्लाह का शुक्राना किया जाता है। हमने सिर्फ अमन अमन और सुकून मांगा और हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए, अमन और सुकून में ही इबादत जो है कायम रहती है, पुरसुकून रहती है। इसमें ऑलमोस्ट दुआ तो हर गो है, हर मस्जिद में दुआ की गई, यहां भी दुआ की गई, तो मौसम जो कुछ है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारे लिए इतना हम दुआ कर सकते हैं कि यहां मौसम भी खुशगवार रहे और अल्लाह हमें हर कयामत से बचाए। پاگل ہوتے بل گلی من غلط पीछे से नहीं चलाओ।
आगे बहुत आगे।